अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरा एक और मोटिवेशन व्लॉग के साथ स्वागत है। तो कैसे हो आप? भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे। तो और दिनों की तरह मैंने फिर से अपने लिए सुबह सुबह बनाया है नींबू पानी, गुनगुना नींबू पानी बनाया। उसमें नींबू ऐड किया, शहद ऐड किया और उसको सिप सिप करके पी जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने कुछ सामान मंगाए तो क्यों ना मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आप लेना चाहते हो जो भी चीज़ें, तो मैंने एंजल के लिए टी शर्ट और लोअर मंगाया है, मतलब नाइट सूट है ये वाला, और वो टी शर्ट मंगाए फुल स्लीव्स क्योंकि अब हो गई है ठंड। तो बहुत ही प्यारा पीस है ये वाला, और ऑरेंज वाली टी शर्ट भी काफ़ी अच्छी है और इसका क्वालिटी भी जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर उसके बाद ये मैंने अखरोट है ये मंगाया है, ये है वॉलनट्स, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इनका, क्वालिटी इनकी बहुत ही नंबर वन क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, वजन कम करना चाहते हो तो ड्राई फ्रूट्स को भी आप ज़रूर खाया करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मैंने ये कुर्तियाँ मंगाई थी डेली यूज़ के लिए, ये ग्रीन कलर की और मरून कलर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रीन वाली मुझे ज़्यादा ही बढ़िया लगी और कपड़ा भी इनका ठीक है, जैसे कि एक सिंथेटिक का कपड़ा नहीं होता उस टाइप का। और ये रेड वाला है जो कॉटन का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही बढ़िया पीस है अगर आप लेना चाहते हो। और ये मंगाए थे मैंने टर्ट्स मंगाए थे, खजूर मंगाए थे, और क्योंकि खजूर जैसे खून की कमी है, पैरों में भी दर्द की समस्या होती है, तो आप इनको खाया करो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दूध के साथ ज़रूर खाती हूँ और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इनके। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद अब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो आपका जो वेट लॉस का सफ़र है कैसे चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, गर्म पानी पीजिए, और बिना एक्सरसाइज के कुछ नहीं होगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, जब तक ज़िंदगी में आप मेहनत नहीं करोगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स। तो मैं मोटिवेट हुई हूँ, मैंने 18 केजी वज़न कम किया है, 18-19 किलो वज़न, तो मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो मैं इसलिए मोटिवेशन वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि आप भी घर बैठ के अपना वज़न कम कर पाओ। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में खा रही हूँ बनाना है, उसमें मैंने क्या नाम बोलते हैं इसका, मखाना हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसको काट के डाल दिया है, और उसमें चिया सीड्स भी ऐड कर दिया। चिया सीड्स का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन में और मीशो में भी आसानी से मिल जाएगा। और हनी है, हनी को भी इसमें ऐड कर देना है, हनी और दूध जो है हमने बिना मलाई वाला डालना है। इससे क्या होता है, हनी को जैसे हम हनी का सेवन करते हैं, इससे भी हमारा जो वज़न है काफ़ी कम होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और अच्छे से जो बढ़िया सा हमारा नाश्ता है बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसको हमने फिर खा जाना है। बहुत ही स्वादिष्ट, दिखने में जितना स्वादिष्ट लगता है खाने में भी उतना स्वादिष्ट होता है। तो एंजल स्कूल जा रखी है, तो मैंने अपने घर के काम काज के साथ बहुत सी जिम्मेदारियां होती है घर की, मतलब बच्चे को स्कूल लाना, ले जाना, पढ़ाना, स्कूल का होमवर्क कराना, बहुत सी काम काज होते हैं, और तब भी मैंने अपना 18-19 किलो वज़न कम किया फ्रेंड्स। तो आप यूँ नहीं कर सकते हो, जो भी हमने चीज़ें खानी है उसको हमने बारीक बारीक चबा के खानी है। जैसे कि 32 बार भी अगर आप नहीं चबा सकते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 10-15 बार भी अच्छे से चबा चबा के खाने को खाओगे तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। फिर मैं अपने घर के काम काजों में लग जाती हूँ, मैंने झाड़ू लगा लिया है तो फटाफट से मैं किचन में पोछा लगा लेती हूँ, और सारे रूम में भी मैं इधर टीवी वाले रूम में भी लगा दूँगी पोछा। तो उस टाइम पे रिंग लाइट मेरी जो थी ख़राब हो रखी थी, तो मेरा फेस भी नहीं दिख रहा है, मैंने जुगाड़ जुगाड़ करके इस तरीके से वीडियो बना दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ अपने घर के काम काजों के साथ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये है, टमी के लिए है, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, इससे जो आपका टमी है जल्दी जल्दी जो ख़त्म हो जाएगा, बैली फैट होता है ना हमारा, फालतू की चर्बी खट जाएगी, टमी के लिए बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स ये। और साइड में जैसे कमर के साइड में भी आपकी जो चर्बी निकली होगी कम हो जाएगी। सेकेंड एक्सरसाइज ये है,
थाई के लिए और टमी के लिए, दोनों के लिए है। तो सुबह शाम आप 30 टाइम एक्सरसाइज करो, कम से कम 25 मिनट भी एक्सरसाइज कीजिए आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने घुटनों को छूना है अपने लेफ्ट राइट इस तरीके से, और बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, ईजी भी है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। और सुबह शाम जितना हो सके एक्सरसाइज करो, और जो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं। और थर्ड एक्सरसाइज ये है, ये भी टमी के लिए है। तो मतलब बहुत से लोग ये होते हैं कि शरीर तो उनका पतला होता है लेकिन टमी ना उनका बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ही भद्दा लगता है दिखने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और चौथी एक्सरसाइज ये है, हिप के लिए है ये एक्सरसाइज, और टमी के लिए भी है और थाई के लिए भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एक्सरसाइज को आप सुबह शाम दोनों टाइम करना, इससे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो भी एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आसान भी है, और मेरे सारे जो कपड़े हैं लूज़ हो गए, टी शर्ट वगैरह भी। और चौथी एक्सरसाइज ये है, ये भी हमारी टमी और थाई के लिए। कभी इस घुटने में मतलब इस पैर को आगे करना है अपने लेफ्ट राइट, कभी इस पैर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तो मुझे एक्सरसाइज करने की आदत पड़ गई है, तो मैं फटाफट से एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, ये वाली एक्सरसाइज भी बेस्ट है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज और बढ़िया भी है। इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ही मज़ा आता है, तो जितना हो सके एक्सरसाइज। और अपने बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि खुद ही सोचना पड़ता है, जब तक कि आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो खुद की बॉडी के बारे में, खुद के बारे में आप खुद सोचिए, और ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये भी टमी के लिए है। तो जितना हो सके इस एक्सरसाइज को भी आप सुबह शाम करना। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज शेयर की है, वो वीडियो को आप जाके देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, बहुत ही असर पड़ता है इससे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मुझे हंसी भी आ रही है, ऐसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही आपको ना मतलब अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। जब आपको एक्सरसाइज करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको बिना एक्सरसाइज के अच्छा भी नहीं लगेगा। और कभी भी लाइफ में अगर कुछ कर रहे हो ना, अपने जुनून को ख़त्म नहीं होने देना है, हमेशा अपने जुनून और जज्बे को कायम रखना कि मुझे पतला होना है, तो आप पतले होके रहोगे। ठीक है फ्रेंड्स, सारी मैंने एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर दी है। चलिए अब मैं एंजल को स्कूल से लेके आ गई हूँ, तो एंजल यहाँ पे दौड़ा भागी कर रही है, उसने देखा कि कैमरा लगा हुआ है तो हेलो हाय कर रही है आपको। तो बस पहले मैं एंजल का बैग रखती हूँ, मैं टिफ़िन चेक करती हूँ, मुझे बड़ी फिक्र हुई रहती कि टिफ़िन खाया कि नहीं खाया। तो बस तो टिफ़िन ऊपर निकाल देती हूँ अब मैं बैग से एंजल का, तो क्यों नहीं हम अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ अपना भी वज़न कम करें, तो क्यों नहीं कर सकते, कर सकते आसानी से हम अपना वज़न कम कर सकते, बहुत बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है। जब ठान दो कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो हम करके ही रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया और हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो एंजल की ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ मैं, तो एकदम से नहीं नहलाती हूँ, कम से कम 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मैं एंजल को नहला देती हूँ। तो बस दिन में मैं बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ, तड़के वाली दाल, उसमें मैंने टमाटर प्याज डाल दिया है, अच्छे से दाल उबल गई है। और तड़के वाली दाल ना एंजल भी खा लेती है, और थोड़ा सा हमने इसमें हींग का तड़का लगाना है, और थोड़ा सा इसमें मैंने लहसुन जो है वो डाला, और बस थोड़ी सी हमने इसमें स्पाइसी नहीं होनी चाहिए, रेड चिली डाल देनी है। बस फ्रेंड्स, हमारे दिन के खाने की थाली है, थोड़ा सा उसमें मैंने दही भी लिया है, और बस अच्छी तरीके से हमने इसको बारीक बारीक चबा के खाने को खा जाना है। जैसे कि मैंने बताया कि 32 बार भी नहीं खा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके खाने को अच्छे से अच्छी तरीके से चबाओ और खाओ। खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना है, और खाना खाने से आधे घंटे बाद ही हमने पानी पीना है। आप बीच बीच में सिप सिप करके मतलब घूट घूट करके पानी पी सकते हो, लेकिन कभी भी खाना खाने के बाद एकदम से पानी मत पीना, उससे क्या होगा, जो आपका टमी है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब मोटापा आपका कम नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत दिन पहले की वीडियो है फ्रेंड्स, अब तो ठंडा हो गया, अब तो हम स्वेटर वगैरह भी पहनने लग गए हैं, देहरादून में तो काफ़ी ठंड हो गई है। तो जब वीडियो शूट की है तो मैंने कहा क्यों ना अपलोड किया जाए। तो बस अब शाम का समय हो गया, एंजल को फटाफट से मैं कर लेती हूँ तैयार, और हम जा रहे हैं घूमने। फटाफट से एंजल को तैयार कर लिया, खुद तैयार हो गई हूँ। तो एक चक्कर जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह शाम घूमने के लिए जाना है, घूमने फिरने से
तो घूमने फिरने से भी, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया काफ़ी वजन कम होता है, तो एक चक्कर आप या तो सुबह जा सकते हो, शाम को जब भी आपको टाइम मिले, तो एक चक्कर मैं ज़रूर घूमने के लिए जाती हूँ। इससे भी जो हमारा जो फैट है काफ़ी कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस एंजल भी अपना छाता उता पकड़ के जाने लग गई है, तो हम चले हैं फ्रेंड्स घूमने। तो बस अब हम आ गए हैं, घूम घाम के घर आ गए हैं। फिर मैंने बनाई अपने लिए गुड़ की चाय, तो उसमें मतलब मैं गुड़ का पाउडर जो आता है वो डालती हूँ, क्योंकि गुड़ का पाउडर ऐसा है कि गलता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। और ये तो मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था, मतलब किसी भी आप जहाँ से दाल चीनी वगैरह मिलता है राशन की दुकान से ले सकते हो। लेकिन अभी मैंने जो एक बॉक्स मंगाया है गुड़ के पाउडर का, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और ये बिस्किट खा रही हूँ मैं, ये वाले, और कभी भी चाय खाली नहीं पीनी चाहिए, उसके साथ बिस्किट या नमकीन ऐसा लो जो इसमें मतलब ज़्यादा मीठा ना हो। और नमकीन एक वो वाली लेती हूँ मैं, उसमें तीखा उखा नहीं होता है, तीखा ऐसी नमकीन बिस्किट खाया करो जैसे शुगर फ्री वाला बिस्किट ले सकते हो, नमकीन भी आती है ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू बैंगन प्याज काटे हैं मैंने, और इसमें हींग का तड़का और जीरे का तड़का मैंने लगा लिया। थोड़ा सा ऑयल डालना है, लोहे की कढ़ाई में भी खाना खाना चाहिए, इससे भी ना जो वजन है आपका कंट्रोल में रहता है, और इसमें आयरन की मात्रा भी मिल जाती है, आपको भरपूर आयरन की मात्रा मिलती है। और यहीं मतलब घरों में आ जाते हैं ऐसे बर्तन बेचने वाले ना, तो उससे आप ले सकते हो, उससे आपको आसानी से आपको ये वाली कढ़ाई मिल सकती है। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि इस कढ़ाई का मुझे आप लिंक दे दो, तो आप ना डीआर किसी से भी ले सकते हो, बर्तन बेचने वाले आते हैं ना तो उनके पास मिल जाता है। तो सारी सब्जी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, सारी सब्जियाँ खाओ, लेकिन कम कम मात्रा में खाओ और अपना वजन कम। तो जब भी मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ मैं सब्जी मसाला, जिससे कि सब्जी बन जाती है बहुत ही लाजवाब और बढ़िया सी टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। और ये है सब्जी, और इसमें दो खजूर रखे हैं, थोड़ा सा सलाद रखा है, दूध रखा है, और दो रोटी है, और बस दूध मैं ज़रूर लेती हूँ, थोड़ा सा हमने दूध ज़रूर पीना है। ऐसा नहीं है कि दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, सारी चीज़ें खाओ लेकिन बिना मलाई वाला खाओ। तो एंजल को नींद आने लग गई, वो अपनी आँखें मल रही है, तो बस जब अच्छे से बारीक बारीक चबा के हम खाना खा लेते हैं, और मैं खा लेती हूँ मतलब फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया फ्रेंड्स। सारी एक्सरसाइज को करिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि मैंने आपको बताया पानी, एंजल और मैंने सेम सेम पहना है, ब्लैक ब्लैक पहना है मम्मा बच्चे ने। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ, बाय गाइस। तो गर्म पानी पीजिए, और मस्टर्ड ऑयल को यूज़ कीजिए, और शुगर का यूज़ नहीं करना है, हनी और गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, और गुड़ की चाय पीजिए, ज़्यादा चाय पीने की आदत है तो। और जो भी एक्सरसाइज मैं शेयर कर रही हूँ उन सारी एक्सरसाइज को कीजिए, वो सारी एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और चावल इतना सा खाइए, दाल चावल सारी चीज़ें खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाइए, 32 के फॉर्मूले से खाइए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ, बाय। बोलो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब।